ऐसा भजन सुनाओ। तो वैसे किसी का गाया हुआ नहीं है, ये हमारे मित्र बीबू यादव जी ने लिखा था। अब यहाँ से जाने की बात कर रहे, कुछ वीडियो रिलीज होगी हमारी। तो ज्यादातर तो समाज की अगर कहूँ तो समाज तो दूषित है ही, समाज दूषित इसलिए है कि आज के दिन में मान के चलिए कोई एक दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी है। और अब तो ये भी जानते हो कि हर फैसर की तरफ फैसर की तौर ध्यान दे तो फैसर की तरफ दौड़ते चले आओ, सोचते सोचते बरसें बीत हो जाएगी। तो एक गीत लिखा था कि माता बहनों से विशेष रिक्वेस्ट थे भाइयों से तो कुछ हमारी माताओं का नियम ही कुछ अलग था, लेकिन आजकल जयमालाओं में घर बड़े बड़े रंगमंच सजाए जाते हैं, तो लोक लाज तो वहीं चली जाती है। उसके बाद हमें तो भाई आप तो एक मान के चलिए बहुत बड़े, और आपको ये सभी हर जगह का माहौल पता है क्योंकि आप हो कि पहले हमारे जब आज के कुछ क्षण पहले जानो समय पहले शिक्षा भी नहीं थी, बीच में भी शिक्षा कुछ पनपी तो अच्छी शिक्षा पनपी, लेकिन अब शिक्षा का पतन होने लगा। क्यों? जो नई नई पीढ़ी है खाना चलो। अब
बेचारे गए स्कूल और स्कूल में खेना दादिया कई पत्ता चगो पी के और उन्हों से खेलाए पत्ता धरता हुआ में फिर तो रात भर सोए या पड़े कई सारे दिन थक जाते ले जाओ ले आ आजकल के नौजवान पढ़े लिख के हो सके तो सब घर की न्यूज उतार देगा लेकिन वह बात कुछ अलग है तो ये हो रहा है हमारे देश की देवियां घूंघट में रहा करती थी शरीर ढके रहती थी क्योंकि शरीर एक मान सम्मान और माता पिता और पति का भी सम्मान एक लाज में रहता है एक पर्दे की बहुत बहुमूल्य कीमत होती है लेकिन आज तो तुमने देखा हो नई नई ऐसी माताएं बहनों साड़ी चली है जो 3 किलोमीटर दूर से समझ ले गए फैलाने की श्री देवी आ गई बिल्कुल 3 किलोमीटर सही पता चल जाए जो नेट जैसी मच्छर चली जैसी ओढ़ी तो जान सम्मान की चलो अभी एक हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल था कि 90,000 की साड़ी हो सका तो हमें अगर कोई झूठ मारे तो हमसे खा भी सकते और उस साड़ी की कीमत 90,000 है और साड़ी देखो तो मच्छर चांदी तो मतलब पैसे हो कर मच्छर चांदी हो क्या
मतलब धाम से जियो मरो तो जान से मरो, लेकिन उसका गलत अर्थ लगाते हैं जियो तो शान से जियो। अरे जीने वाली जिंदगी जियो, करो लोगों को अच्छी लगे।